जनाब, और ये अभी हम भूकंप कर रहे हैं। ये शलजम है, ये देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब, काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी कुछ चैनल के हवाले से कुछ मसरूफियात थी, तो इस वजह से हम ब्लॉग थोड़ा सा हमने बंद किया हुआ था, लेकिन अब हम अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम है एबटाबाद मानसेरा। मानसेरा से आगे खूबसूरत सा गांव है ख्वाजगान। तो हम इस वक्त एबटाबाद मोटरवे पे, ये जो मानसेरा इंटरचेंज से पहले एक रेस्ट एरिया है वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। तकरीबन कुछ सफ़र है और फिर हम ख्वाजगान की खूबसूरत वैली में जाएंगे, और वहाँ की जो हरियाली, वहाँ का सब्ज़ा, वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे, वो सारे हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये है रेस्ट एरिया। ये अगर आप हज़ारा मोटरवे पे जब इंटर होंगे तो हवेलियाँ से आगे ये रेस्ट एरिया है, और मानसेरा से पहले। तो बस हम थोड़ी देर में, हमारे कुछ गेस्ट हैं वो यहाँ पर आने वाले, फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलते हैं और आगे ख्वाजगान पहुँच के कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो तलाश है ग्राउंड की जहाँ पर हम क्रिकेट खेल सकें। तो आगे आगे हमारे साथ जो है ना हमारे दोस्त हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और मौसम बस ठंडा होता जा रहा है, और जो जो रात होगी तो यकीनी तौर पे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड होने वाली है। लेकिन हमने भी खैर लकड़ियाँ वगैरह काट मंगवा ली है, कुछ देखे आज बॉन फायर वगैरह करते हैं, रात तो गुजारनी है। तो ओह, आगे देखते क्या होने वाला है। अच्छा, ये शलजम है, ये देखिए आप। बड़ी की ला। शलजम उर्दू में कहते हैं और पश्तो में ठेपर कहते हैं। जबरदस्त देखते तो क्रिकेट का मैच होने वाला है जनाब, और ये अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। टो 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 टो, पहले एक बैटिंग मुझे दो ना। लो नहीं नहीं, ऐसा चले 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 गए। रुको 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 यार, नंबर निकाल लो। आओ आओ, कितने बंदे हैं? 3। ओ भाई, यस शाबाश, बहुत अच्छी फील्डिंग। चार बॉल हो गई,
दो बॉल पे दो रन चाहिए। शाबाश। और ये हमारे ओ आखिरी बॉल बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं छह रन पूरे करने सिर चका। नहीं ना खत्म करते टाइम नहीं है। चलो अभी 15-20 मिनट बाद। और ये कैच 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 कैच। नहीं जनाब कैच ड्रॉप। चलो भाई फील्डर काफी पीछे था। किसकी बॉल? ओ भाई आउट हो गए आउट हो गए। और ये आउट हो गए ये पहली बॉल पे आउट हो गए। आउट हो गए जनाब। ये इनका कैच पकड़ा है दरख्त ने पकड़ा है जी। ये किकर ने इनका कैच पकड़ा है और आउट हो गए। दो बोले कराने पे नीचे से नहीं। बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा। और कैच ड्रॉप कर दिया है जी। वाइड और ये ओ और ये भी खैर नहीं कुछ नहीं हुआ जनाब। और ये जनाब सुपर सुपर जबरदस्त। लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। चार रन इनके बन चुके हैं और नए बैट्समैन आने वाले हैं आसिफ। देखते हैं कि आसिफ साहब इस वक्त क्या करते हैं। या अल्लाह ये जकने का बोझ बढ़ता जा रहा है। और बॉलर चेंज होना चाहिए यार मेरे ख्याल में। अरे ये क्या कर दिया। ओह शिट ओह शिट जबरदस्त यार। ये क्या था ये कौन सा सी बॉलर किसे पहले बैठ जाएगी। ये तो प्रोग्राम बन गया। ओ भाई वाह भाई वाह। और ये जनाब वो और ये बिल्कुल आउट हो चुके हैं। इनका जो है ना छक्का और छक्के के साथ ही आउट हो चुके हैं जनाब। ए बात सुनो बेहमत ये सब ऊपर खड़ा करो फील्डिंग के लिए। ओ भाई ला बॉलर चेंज हो गए हैं नए बॉलर आए हैं। और ये देखें अब ये क्या करते हैं जनाब। स्पिनर है जनाब लेग स्पिनर है। और वाइड पहली बॉल ही वाइड कर दी है। ये जबरदस्त बहुत अच्छी थ्रो शाबाश। चले जी और आसिफ साहब ने एक बार फिर फेंक दिया और ये बॉल जो है ना इस वक्त स्टेडियम से बाहर जा चुकी है। और इसी के साथ अंपायर ने कहा एक आउट। और एक बार फिर और इस दफा यकीनी तौर पे ये आउट है। और ये हो गए आउट। इसी के साथ ये शानदार इनिंग का इख्तिताम हुआ।